भाइयों, सिनेमा पंक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट यूटोपिया मूवी की स्टोरी के बारे में। ये एक साउथ कोरियन डिजास्टर थ्रिलर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है उम ताए वान ने और इसमें लीड में है ली ब्योंग हुन, पार्क सी जुन और पार्क बोयन। इसकी स्टोरी सियोल में आए एक बहुत ही बड़े अर्थक्वेक पर फोकस करती है जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो गया है, लेकिन इन सभी के बीच एक बड़ी बिल्डिंग अभी भी खड़ी है। उसमें रहने वाले सभी इंसान कैसे इस डिजास्टर में सर्वाइव करेंगे यह हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत में हमें सियोल शहर को दिखाया जाता है जो साउथ कोरिया का सबसे शानदार शहर है और इस शहर में इन दिनों रहने के लिए कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहे हैं। दोस्तों, असल में इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करना और उनको खुद का घर दिलवाना था ताकि सभी लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। सभी लोग अपने सेविंग्स को उन अपार्टमेंट्स में डाल देते हैं। बहुत सारे लोग अपना लिविंग स्टेटस बदलने के लिए उन अपार्टमेंट्स को खरीदने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक सियोल शहर में एक बड़ा सा अर्थक्वेक आता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इसके बाद हमें एक कपल को देखा जाता है जो एक अपार्टमेंट में सो रहे हैं। इनमें से लड़के का नाम मिन सुंग है और लड़की का नाम मियोंग है। अब दोनों की नींद खुलती है और जब मिनसुंग अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो हमें पता चलता है कि इनकी बिल्डिंग को छोड़ के पूरे शहर की सभी बिल्डिंग्स तबाह हो गई है। अब जब वो नीचे आता है तभी इस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। बिल्डिंग के कुछ स्टाफ मेंबर्स उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही थी और पानी और गैस ना होने की वजह से सभी लोग बहुत परेशान थे। मैनेजमेंट के लोग उन्हें बताते हैं कि जनरेटर चालू करने में हमें अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। इसके बाद मिनसुंग जब कुछ चीजें अपने रूम में लेके जाता है तभी मियोंग पहले के खाने पीने की चीजें कैलकुलेट कर रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन चीजों से ये लोग सिर्फ एक हफ्ते तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। मियोंग कहती है कि क्यों ना मैं अपने डैड के पास चले जाऊँ, लेकिन मिनसुंग उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इस अपार्टमेंट के बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अब फिर से रात हो जाती है और हम इस खंडर शहर का एक नजारा देखते हैं। पूरा शहर तबाह हो गया है लेकिन अभी भी कुछ सर्वाइवर्स हैं जो इस जिंदा बची बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं। तभी अचानक रात को कोई तो मिनसुंग का दरवाजा खटखटाता है। मिनसुंग जब अपना दरवाजा खोलता है तब एक औरत उसे कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को अपने घर में ले लो, बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। मिनसुंग बच्चों को अंदर लेने से मना कर देता है बट वो औरत फिर भी मिनसुंग से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि तुम्हारे अलावा किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला, प्लीज मेरे बच्चे को अपने घर में ले लो प्लीज। वो औरत मिनसुंग को दरवाजा बंद करने से रोकती है। जब ये बात मियोंग को पता चलती है वो तुरंत उस औरत को और बच्चे को अपने घर में ले लेती है। इसके बाद मियोंग अपने गेस्ट को एक कमरा देती है सोने के लिए। अगली सुबह मिनसुंग कुछ चीजें लेने के लिए बिल्डिंग के नीचे आता है। वो एक आदमी के पास जाकर कुछ चीजें लेता है और उनके बदले उसे पैसे देता है बट वो आदमी पैसे लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि पैसों के बदले मुझे गैस, लाइटर इन जैसी चीजें दे दो। तभी एक आदमी यहाँ पर आकर बैटरीज के बदले खाने की चीजें ले लेता है। ये देखकर मिनसुंग भी उसे अपने घड़ी देकर खाने का सामान ले लेता है। अब अपने घर में जाते वक्त मिनसुंग देखता है कि पूरा रास्ता आउटसाइडर से भर चुका है। इन सभी में किसी ने तो एक आदमी के घर का कोई सामान चुरा लिया था इसलिए यहाँ पर झगड़ा हो रहा था। इन सभी के बीच में से मिनसुंग अपने घर में जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मियोंग उस छोटे बच्चे को वॉकी टॉकी चलाना सिखा रही थी। यहाँ पर मिनसुंग मियोंग को अपने बेडरूम में आने को कहता है। मियोंग अपने रूम में जाती है तभी मिनसुंग उसे खाना देता है जो उसने नीचे से लाया था। मियोंग कहती है कि क्यों ना हम ये खाना उन दोनों में भी बांटे बट मिनसुंग ये नहीं चाहता था इसलिए ये दोनों उस खाने को खाते हैं और थोड़ा रोमांटिक होते हैं। लेकिन तभी वो औरत इनका दरवाजा खोलती है और कुछ चीज मांगती है। ये देख के अब इनके पास इनका खाना शेयर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरते हैं मौसम और भी ठंडा होते जाता है और आउटसाइडर्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। मिनसुंग को ये चीज जरा भी पसंद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि ये आउटसाइडर्स इनकी चीजें ले रहे हैं, इनका हक ले रहे हैं। तभी अपने घर में आते वक्त
इन्हें कुछ लोग झगड़ा करते हुए दिखते हैं। ये देखकर मियोंग उस इंजर्ड आदमी को चेक करने के लिए भागती है क्योंकि वो पहले एक नर्स थी। बट तभी उस कमरे से धुआं आने लगता है और उसमें आग लग जाती है। ये देखकर तुरंत एक आदमी आग बुझाने का सिलेंडर लेके उस आग को बुझाने लगता है। इस आदमी का नाम यंग टाक था। वो आग बुझाने की कोशिश करता है बट आग नहीं बुझ रही थी, इसलिए वो इमरजेंसी वाटर पाइप को लेता है और उसे मिनसोंग को दे देता है। मिनसोंग उस पाइप को लेकर उस रूम में जाता है और यंग टाक पानी को चालू कर देता है। बट पानी के प्रेशर की वजह से मिनसोंग उस पाइप को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए यंग टाक और मिनसोंग दोनों मिलके उस पाइप को कमरे में लेके जाते हैं। ये दोनों मिलके फाइनली उस आग को बुझा देते हैं। इसके बाद सभी लोग यंग टाक के इस हीरोइज्म की तारीफ करते हैं। यहाँ पर यंग टाक मिनसोंग की भी तारीफ करता है। इसके बाद ये लोग एक मीटिंग रखते हैं जिसमें सिर्फ अपार्टमेंट के लोगों को ही बुलाया गया था। यहाँ पर गुआम नाम की एक औरत सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज करना चाहती थी बट इनमें ही बहस चालू हो जाती है। वो कहते हैं कि अब हमें आउटसाइडर्स का क्या करना है। तभी मियोंग कहती है कि हमें एक साथ रहने का कोई तो सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग उसकी बात पर एग्री नहीं करते। तभी गुआम सभी को कहते हैं कि इन आउटसाइडर्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बिल्डिंग से भी फैंसी बिल्डिंग से आए हैं, इसलिए कुछ लोग हमें मिडिल क्लास होने की वजह से नीचा दिखाया करते हैं। इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास सप्लाईज खत्म हो रहे हैं। इनमें यंग टाक एकदम चुपचाप एक कोने में बैठा था। ये देखकर गुआम उसे भी कुछ एडवाइस देने को कहती है। यंग टाक कहता है कि हमें सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसमें सभी लोग इस क्राइसिस के दिनों में मिलके काम कर सके, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्हें इनका लीडर चूज करना था। तभी गुआम खुद यंग को हीरोइज्म की वजह से उसे लीडर अनाउंस कर देती है। सभी लोग भी गुआम के इस डिसीजन को मान लेते हैं। अब लीडर तो अनाउंस हो गया था, लेकिन इन्हें अब ये डिसाइड करना था कि हमें आउटसाइडर्स के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए वो सीक्रेट वोटिंग की मेथड यूज करते हैं। सभी लोग एक एक करके ब्लैक और व्हाइट सर्कल को एक बोर्ड में डालते हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद जब ये लोग वोट्स काउंट करते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि ज्यादातर लोग आउटसाइडर्स को इस बिल्डिंग से निकलना चाहते हैं। इसके लिए ये लोग प्लानिंग करते हैं। अब रात हो जाती है और रात में मियोंग मिनसोंग को पूछते है कि तुमने कौन सा कलर चूज किया था। मिनसोंग इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और बहाने बनाने लगता है। तभी वो छोटा बच्चा आता है जो मियोंग को वॉशरूम चलने को कहता है। जब मियोंग वहां से चली जाती है तब मिनसोंग अपनी इंजरीज को देखता है। तभी हमें कुछ फ्लैशबैक्स के सीन को दिखाया जाता है जब अर्थक्वेक अभी भी हुआ नहीं था। मिनसोंग वो जगह पर था जहाँ पर इस अर्थक्वेक ने सबसे पहले दस्तक दी थी। यहाँ पर एक औरत एक ट्रक के नीचे दबी हुई थी। मिनसोंग और उसका साथी उस ट्रक को उठाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो उस औरत को बचा सके, लेकिन जब अर्थक्वेक इनकी तरफ बढ़ने लगता है सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मिनसोंग पासी के गाड़ी में छुप जाता है। वो उस औरत को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखता है और मिनसोंग की गाड़ी भी हवा में उड़ जाती है, लेकिन वो इस अर्थक्वेक में बचाता है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर यंग टाक मिनसोंग को अपने स्पेशल टास्क फोर्स में ज्वाइन होने को कहता है क्योंकि मिनसोंग पहले मिलिट्री में था। इसके बाद गुआम सभी लोगों में से कुछ लोगों को चुनती है जिन्होंने मिलिट्री की ट्रेनिंग ली थी। यहाँ पर सभी लोग अगली सुबह एक जगह इकट्ठा होने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ वेपन्स भी चाहिए थे जिनसे कोई भी आउटसाइडर इन पर हमला ना कर पाए। बट यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें सिर्फ उन्हें भगाना है, उन्हें मारना नहीं है। तभी यहाँ पर एक आदमी डोक्यून कहता है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं तुम्हारी फोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता। बट सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगते हैं। अब अगले सीन में हम मिनसोंग को देखते हैं जो वेपन के रूप में एक रोड को उठा लेता है। ये देखकर मियोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम यंग टाक को देखते हैं जो अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के बाद सुबह सुबह फोर्स को लीड करने के लिए चला जाता है, जहाँ वो हम किसी बहाने से सभी आउटसाइडर्स को बाहर जाने को कहती है। यहाँ मियोंग भी उस औरत और उस बच्चे को गुड बाय कहती है जो इनके घर में थी। सभी आउटसाइडर्स बिल्डिंग के बाहर जाते हैं तभी टास्क फोर्स के लोग फेंस लेकर उन आउटसाइडर्स का दरवाजा बंद कर देते हैं। यहाँ इनका लीडर यंग टाक अनाउंस करता है कि आज से तुम आउटसाइडर्स इस बिल्डिंग में नहीं रह सकते। ये सुनकर सभी आउटसाइडर्स भड़क जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि
बाहर कितनी ठंड है, इस जानलेवा ठंड में हम कहां पर जाएंगे, हम इस ठंड में मर जाएंगे। वो कहते कि इस बिल्डिंग में कुछ अपार्टमेंट्स खाली भी हैं, हम उनमें रह लेंगे। तभी सभी को पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेसमैन भी इन आउटसाइडर्स में मौजूद है, जो यहाँ पर भाषण देना चालू कर देता है। वो कहता है कि हमारा भी हक है इस बिल्डिंग में रहने का, लेकिन यंग टैक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो उस आदमी को पीछे ढकेल देता है। ये देखकर एक आदमी कहता है कि ये लोग गवर्नमेंट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो सभी लोगों को अंदर जाने के लिए एनकरेज करता है, जिसके कारण यहाँ पर एक भगदड़ मच जाती है, क्योंकि टास्क फोर्स वाले इनको अंदर जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन आउटसाइडर्स इतने ज्यादा थे जिस वजह से बिल्डिंग के दरवाजे टूट जाते हैं, जिस वजह से टास्क फोर्स के मेंबर्स नीचे गिर जाते हैं और कुछ आउटसाइडर्स उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद ये लोग आउटसाइडर्स को बाहर ढकेलने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान यंग टैक इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और सभी आउटसाइडर्स को बाहर निकाल देता है। यंग टैक उन सभी लोगों पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसका खून भी बहुत बह रहा था। इसी दौरान अपार्टमेंट के लोग ऊपर से पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसके कारण आउटसाइडर्स को वहां से भागना पड़ता है। ये देखकर सभी इनसाइडर्स बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन मियोंग इन सभी बातों से खुश नहीं थी। अब आने वाले कुछ दिनों में अपार्टमेंट के सभी लोग इस बिल्डिंग को रिबिल्ड करने लगते हैं, जहाँ से वो डैमेज हुई थी। इसी के साथ वो बच्चों कुछ सप्लाईज को भी आपस में शेयर कर सभी लोग इस कॉम्प्लेक्स के आजू बाजू कुछ बड़े बड़े गेट्स भी लगा देते हैं, जिस वजह से कोई भी आउटसाइडर इनकी बिल्डिंग में ना आ पाए। इसके बाद गुआम कुछ रूल्स सभी के सामने अनाउंस करती है और कहती है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के लोग ही अपार्टमेंट में रह सकते हैं, और किसी ने भी आउटसाइडर्स को पना दी तो उसे भी इस अपार्टमेंट के बाहर निकाल दिया जाएगा, और किसी को भी अपनी मर्जी से इस बिल्डिंग के बाहर जाना मना था, ताकि वो बाहर के खतरे से बच सके। सभी लोगों को राशन उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही दिया जाएगा, ताकि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और कोई भी आदमी स्लो ना हो। इस अपार्टमेंट में पानी की कमी थी, इसलिए सभी को अपनी पोटी एक प्लास्टिक की थैली में भर के साइड के गड्ढे में डालनी थी। इसके साथ ये लोग अलग अलग काम के लिए अलग अलग टास्क फोर्स तैयार करते हैं। एंटी क्राइम फोर्स ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थी। इस फोर्स में जिसकी एज 16 से ऊपर थी वो शामिल हो सकता था। वहीं पर राशन फोर्स सभी लोगों में जरूरी चीजें सप्लाई करती थी, और मेंटेनेंस फोर्स मेंटेन का काम करती थी। मेडिकल फोर्स इंजर्ड लोगों को देखती थी। यहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम करते हुए बहुत खुश थे। ये लोग अपने लाइफ में धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे थे। कुछ दिनों में इनकी सप्लाईज कम होने लगते हैं, इसलिए यंग टैक कुछ लोगों को लेकर बिल्डिंग के बाहर जाता है। इन लोगों में मिनसुंग भी था। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हें रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट के लोगों को बाहर एक बड़ा सा ब्लास्ट दिखाई देता है, लेकिन यंग टैक अपने लोगों को लेकर सेफली अपार्टमेंट में आ गया था। ये लोग बहुत सारा खाना लेकर आते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजें खराब हो गई थी, इसलिए यंग टैक रोज सुबह अपने लोगों के साथ एक एक बिल्डिंग चेक करने के लिए अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता है। अपने सफर में उन्हें जो भी बिल्डिंग खड़ी दिखती उस बिल्डिंग में उन्हें सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज ही मिलती थी। ये लोग आपस की लड़ाई से मर गए थे, यानी अर्थक्वेक में ये लोग जिंदा बच गए थे। लेकिन जैसा यंग टैक की बिल्डिंग में हुआ, सेम ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, और सभी लोग आपस में लड़ लड़ कर मर गए। यंग टैक की आर्मी रोज अपने साथ कुछ न कुछ तो लेकर आ ही जाती थी, लेकिन रोज इन्हें सप्लाई की कमी महसूस होती थी। एक दिन जब ये लोग बाहर जाते हैं, तभी यंग टैक और मिनसुंग बातें करते हैं। मिनसुंग कहता है कि हम जो कर रहे हैं, एक दिन हमें इसका फल जरूर मिलेगा। इसके साथ वो ये भी कहता है कि पिछले साल मेरी बीवी का मिसकैरेज भी हुआ था, और इसी वजह से मेरी बीवी बच्चों का ज्यादा ध्यान रखती है। दूसरी तरफ मियोंग को अपनी बिल्डिंग की दूसरी बालकनी में वो छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसके पास अभी भी वॉकी टोकी था। ये देखकर वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और अपने वॉकी टोकी से उस बच्चे से बात करती है। यहाँ पर मियोंग को पता चलता है कि डोक्यून ने उस बच्चे को और कुछ आउटसाइडर्स को अपने रूम में छुपाया हुआ था। दूसरी तरफ मिनसुंग की टीम को एक सुरंग मिलती है, जिसके थ्रू ये लोग एक नई जगह पर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक ग्रोसरी स्टोर भी मिलता है। ये लोग जब स्टोर में घुसने की कोशिश करते हैं, तभी इस शॉप का ओनर बाहर आकर इन पर बंदूक तान लेता है। वो ओनर इन्हें जाने को कहता है। तभी यंग टैक
इससे बातें करने की कोशिश करता है। उस ओनर का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा उठाकर मिनसोंग उस ओनर पर हमला कर देता है। इस वजह से ओनर के हाथों से गलती से गोली चल जाती है और मिनसोंग की टीम लीडर को लग जाती है। ये देखकर सभी लोग उस ओनर से गन छीन लेते हैं और यंग टक उस ओनर को जान से मारने लगता है। इसके बाद ये लोग उस दुकान में घुस जाते हैं और वहाँ से सारी चीजें लेने लगते हैं। कुछ लोग तो इस दुकान से डॉग्स भी ले लेते हैं। इस दुकान से जाते समय मिनसोंग को दो बच्चे दिखते हैं जो उस ओनर की बॉडी पर अपना सर रखकर रो रहे हैं। ये देखकर मिनसोंग को बहुत बुरा लगता है। अब कुछ दिनों बाद इस बिल्डिंग के लोग न्यूयॉर्क की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और गाने भी गाते हैं। तभी इन्हें अंधेरे में एक चीज इनकी तरफ आती हुई दिखती है। उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, बट वो तो एक लड़की थी जिसका नाम है हेवन। हेवन अपने पेरेंट्स के साथ इस बिल्डिंग में रहती थी, बट पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद हेवन अपने मॉम के साथ रहने चली गई। इसका रूम यंग टक के रूम के बगल में ही था, लेकिन उसने कभी भी यंग टक को इस बिल्डिंग में नहीं देखा था। अब हेवन इस बिल्डिंग में रहती थी, इसका प्रूफ मिलने के बाद ये लोग उसका वेलकम करते हैं। हेवन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। इसके बाद ये लोग अपनी पार्टी फिर से स्टार्ट कर देते हैं। इस पार्टी में सभी लोग यंग टक को गाना गाने को कहते हैं और यंग टक गाना भी गाता है, बट वो इस गाने में इतना खो जाता है कि उसे उसकी पास्ट लाइफ याद आने लगती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यंग टक का असली नाम सी बियोंग था। वो एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन अर्थक्वेक के पहले वो इस बिल्डिंग में आ गया था और असली यंग टक के घर में घुस गया था। यंग टक एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जो लोगों के साथ स्कैम करके उनका पैसा लूटा करते थे। यंग टक ने सी बियोंग का भी पैसा डुबा दिया था। वो यंग टक से अपने पैसे वापस लेने के लिए आया था, क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्जा हो गया था और कर्जे वाले उसकी फैमिली को परेशान कर रहे थे। तभी यंग टक पैसे देने से इनकार कर देता है। इस वजह से सी बियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर जोर से मारने लगता है। यहाँ पर यंग टक की माँ भी बीमार थी और वो सी बियोंग को अपने बेटे को मारने से रोक रही थी, बट तभी यंग टक सी बियोंग को पेट में चाकू घुसा देता है। इस वजह से सी बियोंग उसे जान से मार देता है। ये देखकर यंग टक की माँ पैरालाइज हो जाती है। तभी सी बियोंग को उसकी वाइफ और बेटी का कॉल आता है। उसकी बेटी उस पर चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि पिताजी, आपने हमारी लाइफ हेल जैसी कर दी है। हमारे घर पर कर्जा मांगने वाले आए हैं। मैं आपसे नफरत करती हूँ। ये सुनकर सी बियोंग उदास हो जाता है। तभी यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। अब सी बियोंग की वाइफ उससे नफरत करती थी, इसीलिए वो इस बिल्डिंग में यंग टक की आइडेंटिटी लेकर रहने लगता है। अब प्रेजेंट में जब सभी लोग अपना वीकली राशन लेने के लिए एक लाइन में खड़े होते हैं, तभी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट चालू हो जाती है, क्योंकि इस राशन से एक दिन भी गुजारना मुश्किल था और इसी बीच एंटी क्राइम फोर्स वालों को राशन ज्यादा मिल रहा था। इसी बात से सभी लोग नाराज थे। तभी इनमें से एक रिपेयरिंग करने वाला आदमी अपने काम की डिफिकल्टीज बताने लगता है। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि एंटी क्राइम वाले मर्डरर्स हैं, वो बाहर के लोगों को मारते हैं। ये बात मियोंग भी सुन लेती है। तभी गुआम कहती है कि अगर तुम्हें यह सब कुछ ठीक नहीं लगता तो तुम इस बिल्डिंग से जा सकते हो। इसके बाद मियोंग मिनसोंग से पूछते है कि क्या तुमने भी मर्डर किया है। इस पर मिनसोंग उसे वो ग्रोसरी स्टोर वाला इंसिडेंट बताता है और कहता है कि वो आदमी मरा नहीं था, बस बेहोश हुआ था। ये सुनकर मियोंग शॉक्ड हो जाती है और मिनसोंग से गुस्सा हो जाती है और वो मिनसोंग से कहते है कि आज के बाद तुम बाहर नहीं जाओगे। इसके बाद मियोंग डॉक ह्यून के रूम में जाकर उसे कुछ जरूरी सामान देती है जिनसे वो आउटसाइडर्स की मदद कर सके। दूसरी तरफ यंग टक हेवन के रूम में हीटर देने के बहाने आता है। वो हेवन का कमरा भी देखता है और कहता है कि बहुत कमाल का रूम है तुम्हारा, लेकिन क्या तुम मेरी माँ को जानती हो। हेवन कहते है कि हाँ मैं जानती हूँ। तभी यंग टक धमकी भरी आवाज में पूछता है कि इसका मतलब तुम मुझे भी जानती हो। हेवन डर जाती है और वो कहते है कि हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ। इसके बाद हेवन अपने जख्मों को मियोंग को दिखाती है। यहाँ पर मियोंग उससे पूछते है कि बताओ बाहर की दुनिया कैसी है। हेवन कहते है कि बाहर की दुनिया नरक बन चुकी है, लेकिन बाहर स्टेशन के पास एक ग्रुप है। जो कोई भी उस ग्रुप के पास जाता है वो उसका ख्याल रखते हैं। इस पर वहाँ पर मौजूद औरतें हेवन का मजाक उड़ाती है। ये सुनकर हेवन उनसे कहते है कि तुम्हारे पास रहने के लिए
छत तो है, लेकिन कभी तुमने बाहर जाकर देखा है? सभी तरफ डेड बॉडीज है। ये सुनकर एक औरत को गुस्सा जाता है और वो हेमंत को भला बुरा कहने लगती है। वो कहते कि अरे तुम तो हमारी चीजों पर पलने आई हो, तुम तो बाहर की हो। सभी औरतें हेमंत के पिताजी की इंसल्ट करने लगती है। ये सुनकर हेमंत को गुस्सा जाता है और वो सभी पर चिल्ला कर वहाँ से चली जाती है। मियोंग उसे शांत करने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी हेमंत कहती है कि यहाँ पर के सभी लोग पागल हो चुके हैं। वो कहती है कि ये लोग यंग तक जो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, लेकिन सभी लोग उसका ख्याल अच्छे से रखते हैं। और मैं तो यहाँ की ही हूँ, फिर भी ये लोग मुझे ताने मारते हैं। मियोंग उससे कुछ और पूछती है। तब तक इन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक रेसिडेंट की डेड बॉडी थी, जिसे आउटसाइडर्स ने मार दिया था जब ये इस बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही उस आदमी के खून से दीवार पर इन लोगों के लिए एक मैसेज भी था, जिसमें लिखा था कि तुम सबको एक दिन हमारा सामना करना पड़ेगा और उस दिन हम लोग तुम सभी को ऐसे ही मार देंगे। ये देखकर यंग टाक को उसका वो समय याद आता है जब उसे इस खंडर शहर में उसकी बेटी की लाश मिली थी। इसलिए वो तुरंत एक अनाउंसमेंट करता है कि अब से इस कॉम्प्लेक्स से बाहर जाने वालों के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स के पेरेदारी में और इंसान बढ़ा देता है। इसके बाद रात हो जाती है और यंग टाक कुछ आदमियों को लेकर डॉक्टर के रूम में जाकर इधर उधर छानबीन करने लगता है। वो इस रूम की सभी चीजें चेक करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो एक बेड को चेक करता है, जिसमें इसे वो औरत और उसका बच्चा मिल जाता है। यंग टाक तुरंत ही इन दोनों को बिल्डिंग से बाहर निकलता है और डॉक्यून को रूल्स तोड़ने की वजह से पनिशमेंट देता है। सभी लोग ये सब कुछ देखते हैं, कोई भी कुछ नहीं करता। तभी यंग टाक मिनसुंग को बताते हैं कि मियोंग ने भी डॉक्यून की मदद की है आउटसाइडर को छुपाने के लिए। इसलिए मिनसुंग मियोंग पर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। मियोंग मिनसुंग की बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे बताते हैं कि यंग टाक अपने बिल्डिंग का रेसिडेंट नहीं है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। इसलिए मिनसुंग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो तुरंत यंग टाक के पास जाता है और उसके सामने अपने घुटने टेक कर माफी मांगता है। यंग टाक उसे माफ कर देता है और उसे बहुत मेहनत करने को कहता है। अगले ही दिन से एंटी क्राइम डिपार्टमेंट और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है और वो हर एक कमरे में जाकर आउटसाइडर को चेक करने लगते हैं। अगर उन्हें कोई भी आउटसाइडर मिल जाता है, वो उसे बाहर निकाल कर उस रूम के दरवाजे को मार्क कर देते थे। वहीं पर दूसरी तरफ मियोंग डॉक्यून को कुछ दवाएं देने जाती है, लेकिन वो उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उन मेडिसिन को लेने से मना कर देता है। अब एंटी क्राइम फोर्स पूरी बिल्डिंग की जांच कर लेती है और सभी रूल ब्रेकर्स को यंग टाक सभी के सामने माफी मांगने को कहता है। इसी दौरान डॉक्यून बिल्डिंग पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। इतना कहकर वो बिल्डिंग से कूद जाता है। ये लोग डॉक्यून की बॉडी को जलाते हैं। तभी एक और अर्थक्वेक होता है, जिसकी वजह से इनके पास की बिल्डिंग गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन तभी इनके पास वाला वाटर टैंक टूट जाता है और इनके कॉम्प्लेक्स में पानी आना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी पानी की समस्या भी खत्म हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सभी लोग पानी को देखकर जोर जोर से सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी मियोंग हेमंत के पास आती है और उसे यंग टाक के बारे में सब कुछ बताने को कहती है। इसके बाद एक बहाना बनाकर मियोंग यंग टाक के पास आकर कहती है कि हमारी पानी की समस्या तो दूर हो गई है, लेकिन अभी भी खाने की कमी है। इसलिए यंग टाक एक नई टीम बनाता है और बाहर खाने की खोज में निकल जाता है। मौका पाते ही मियोंग हेमंत के साथ मिलकर हेमंत के कमरे की दीवार को तोड़कर यंग टाक के कमरे में घुस जाती है। ये दोनों पूरे घर की छानबीन करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि यंग टाक ने सभी सबूत मिटा दिए थे। इसलिए मियोंग यंग टाक की मम से पूछने लगती है कि आखिर वो आदमी कौन है। बट यंग टाक की मम की तबीयत खराब होने की वजह से वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद ये दोनों यहाँ से हार मानकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी मियोंग की नजर वॉशिंग मशीन पर जाती है, जिसे यंग टाक ने सील करके रखा था। हेवन और मियोंग दोनों मिलकर उस वॉशिंग मशीन को खोलती है। तभी उन्हें रियल यंग टाक मिल जाता है, जिसे सिबियोंग ने मार दिया था। दूसरी तरफ टास्क फोर्स इस बार बहुत दूर तक चली जाती है, जहाँ पर इन्हें एक फूड कोर्ट दिखता है जो खंडर के अंदर था। इन्हें वहाँ पर जाने के लिए एक सुरंग मिलती है।
जो डेड बॉडी से भरी हुई थी। सभी लोग डरे हुए थे, इसीलिए मिनसुंग खुद इस सुरंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब मिनसुंग भी डरा हुआ था, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे और भी डेड बॉडीज दिखाई देती है। लेकिन इनमें से एक डेड बॉडी का हाथ हिलता हुआ उसे दिखता है, जिसे देखकर मिनसुंग और भी ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और फाइनली फूड कोर्ट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारा खाना मिलता है। इसलिए सभी लोग मिलकर उस खाने को बाहर निकलते हैं। इसके बाद जब ये लोग सभी खाने को लेकर जा रहे होते हैं, तभी मिनसुंग को यहाँ पर एक हेयर क्लिप मिलता है, जिसे वो मियोंग के लिए उठा लेता है। लेकिन तभी इन पर अचानक ऊपर से जलती हुई चीजें गिरना चालू हो जाती है, इसलिए सब लोग छुपने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इस दौरान इनका एक मेंबर मर जाता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद ये लोग घायल हालत में खाना लेकर बिल्डिंग में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मेंबर मरा था वो गुआम का बेटा था। अपने बेटे की लाश देखकर वो बहुत ज्यादा रोती है और गुस्से में वो यंगताक को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी सभी को जिंदा वापस लाने की। इन सभी के बीच यहाँ पर मियोंग भी आ जाती है और बिल्डिंग के सभी लोगों को यंगताक की आइडेंटिटी बता देती है। कुछ लोग यहाँ पर वॉशिंग मशीन भी लेके आ जाते हैं, जिसमें असली यंगताक की बॉडी थी। ये देखकर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं और यंगताक को इन सभी के बारे में बताने को कहते हैं। तभी यंगताक सभी लोगों पर चिल्लाने लगता है, जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटते टाइप। वो सभी को कहता है कि मैंने इस बिल्डिंग के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाई है, अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग भी आज जिंदा नहीं होते। यहाँ पर वो ये भी कहता है कि यंगताक ने मेरे साथ एक बड़ा स्कैम किया था और मेरे सारे पैसे वो खा गया था। सो टेक्निकली ये बिल्डिंग भी आप लोगों की तरह मेरी भी है। लेकिन कोई भी यंगताक की बात नहीं मानता और सभी लोग उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। तभी गुआम उस पर फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी लोग भी उस पर चिल्लाने लगते हैं और गुस्सा हुए सभी लोग उसे इस बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए उसे धक्के मारने लगते हैं। लेकिन वो इन सभी से बचकर भागने लगता है और वो हेवन का पीछा करने लगता है। वो हेवन को एक गड्ढे में फेंक देता है और उसे जान से मार देता है। सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। लेकिन मिनसुंग एक बंदूक लेकर आता है यंगताक को मारने के लिए, बट वो उसे नहीं मार पाता, इसलिए यंगताक उससे आसानी से उस बंदूक को छीन लेता है। तभी इनकी सिक्योरिटी बैरिकेड्स भी नीचे गिरने लगते हैं और आउटसाइडर्स भी इनसाइडर्स से बदला लेने के लिए इन पर हमला कर देते हैं। कुछ लोग इन लोगों से लड़ने लगते हैं, लेकिन यंगताक सभी को गोली से मारने लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग वहां से भाग जाते हैं। मिनसुंग और मियोंग अपने कमरे में जाकर छिप जाते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आकर मिनसुंग पर हमला कर देता है, जिस वजह से मिनसुंग बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है। ये देखकर मियोंग मिनसुंग की मदद करने आती है, लेकिन वो आदमी उस पर भी हमला कर देता है। इस दौरान मिनसुंग हिम्मत बनाकर उस आदमी को जान से मार देता है। इसके बाद ये दोनों अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग में दंगे हो रहे हैं, इसीलिए ये दोनों बिल्डिंग को छोड़कर जाने का डिसाइड करते हैं। तभी एक आउटसाइडर इस बिल्डिंग पर बम फेंक देता है, जिसे यंगताक फिर से बाहर फेंक देता है, लेकिन ये बम इन पर ही फट जाता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम यंगताक को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा था। वो धीरे धीरे करके अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब अपने कमरे में जाता है उसकी वहां पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद कुछ लोग उसके कमरे में आकर कुछ चीजें चोरी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बिल्डिंग का बाहर का नजारा देखते हैं, जहाँ पर बहुत रात हो गई थी और बहुत सारे लोग अपनी बिल्डिंग को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसी दौरान हम मिनसुंग और मियोंग को भी देखते हैं, जो रात गुजारने के लिए एक खंडर बिल्डिंग में छुप जाते हैं। बिल्डिंग के बाहर बारिश होने लगती है और मिनसुंग को भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, उसका बहुत सारा खून भी बह गया था। मियोंग के पास फर्स्ट एड की चीजें भी नहीं थी, जिनसे वो मिनसुंग का इलाज कर सके। अगले दिन वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और रास्ते में बहुत सारे सर्वाइवर्स को देखते हैं। तभी फिर से रात हो जाती है और इस दौरान ये दोनों एक चर्च में छुप जाते हैं। ये दोनों चर्च की एक जगह पर आते हैं और सोने लगते हैं। तभी मिनसुंग मियोंग को वो हेयर क्लिप देता है, जिसे उसने सप्लाई लेते वक्त लिया था। वो मियोंग को कहता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम मिली। इन दोनों की आंख लग जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह मियोंग को चर्च की खिड़की से एक बहुत ही खूबसूरत रोशनी दिखती है, जिस वजह से उसकी नींद खुल जाती है।
तभी उसे पता चलता है कि मिनसुंग अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये देखकर वो अंदर से टूट जाती है और बहुत जोर से रोने लगती है। इसी दौरान बाहर से कुछ सर्वाइवर्स मियोंग को रोता हुआ देखते हैं। ये लोग मियोंग को अपने साथ चलने को कहते हैं। मियोंग इनके साथ चलने को मान जाती है, जिसके बाद हम उस स्टेशन को देखते हैं जिसके बारे में हेवन ने मियोंग को बताया था। यहाँ पर आते ही वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी ये लोग उसका ख्याल अच्छे से रख रहे थे। उसे खाने और रहने के लिए एक अलग जगह भी देते हैं। यहाँ पर वो अपने हिस्से का खाना देखकर सोचते हैं कि इंसान चाहे तो इस दुनिया को अपने काइंडनेस के साथ जी सकता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कॉन्क्रीट यूटोपिया मूवी। अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको ये मूवी और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइए। मिलते हैं आप सभी से फिर से सिनेमा पंती में, तब तक के लिए गुड बाय। सारे मम्मी ना 목사님이나 지금 똑같아 이제는